पापा ने बहुत घना प्यार किया है। पापा ने ज्यादा किया, बट शैली दीदी ने और भी ज्यादा किया। पूल साइड में आपके और पापा के साथ जो दीदी थी वही शैली दीदी है? हाँ। मेरे लिए प्यार खुशबू है जिसे महसूस किया जा सकता है। ये तुम्हारा थॉट नहीं है ना? मुझे याद है वेडिंग के बाद में मैंने तुमसे यही सवाल पूछा था और तुमने इसका कुछ और जवाब दिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद। सनाया, हम एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमें एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, बहुत जल्द आप जान जाएंगे। चौधरी जी, एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है। ओके आदि, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सनाया। गुड नाइट योहन्नेस। आदि, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू फाइनल हो गया है, परसों दोपहर 2 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। ओके। मीडिया को फोन करना है, वो मैं कल कर लूंगी, बाकी देन वी आर सेट। सनाया, आप कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ आदि? मिसेस राठौर जूनियर को कौन इनवाइट करेगा? आदि, हर हाइनेस को प्रॉब्लम होगी। आप हर हाइनेस नहीं, आप बस इनवाइट कीजिए। पर आपसे जितना कहा गया है आप उतना ही कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ओके आदि। मिसेस श्रेया आदिराज राठौर, आप मिस्टर आदिराज राठौर के साथ कॉन्फ्रेंस में जरूर आइएगा। आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके आदि, आई विल टेक योर लीव। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एड्रेस है तो बताइए। टंडन निवास। मैं भी पहले वही रहती थी, लेकिन अब मैं मेरी नानी के घर रहती हूँ। टंडन निवास तो पता नहीं है, कोई और एड्रेस है तो बताइए। क्यों रो रही है पागल, मिल जाएगी चाची। चलनी। सुमित्रा आंटी को सड़क पे एक्सीडेंट होते होते बचा है इनका, दोनों अकेले आपका घर ढूंढ रहे थे। क्या? वो तो मैंने सही वक्त पर हाथ पीछे खींच लिया, वरना मेरे बच्चों। प्लीज प्लीज चाची। क्या हुआ, तुम दोनों को रो क्यों रहे हो बच्चों? चाची, मम्मी पापा हम लोग को आपसे मिलने नहीं ले जा रहे थे, इसलिए हम बिना बताए आ गए, फिर रास्ता ही भूल गए। फिर भाई हमारे अंकल हम लोग को मारने ही वाले थे। क्या? लेकिन जानी आंटी ने हमें बचा लिया। अरे बच्चों, तुम लोग मुझे फोन कर देते ना, चाची आ जाती तुम लोगों से मिलने।
अकेले ऐसे सड़क पे आने की क्या जरूरत थी? वैसे सुमी आंटी, उस दिन के इश्यू के लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे, वो तो बात करते करते फ्लो में निकल गया था। टीटी तो ठीक है ना? चलो बच्चों, चलो। बोल। हेलो अकू, यार मुझे एक बात बता। टीटी के फैमिली में सब पागल लोग रहते हैं क्या? तुझे पता है, मीतप्रीत सड़क पे भटक गए थे लावारिस की तरह, और उनके माँ बाप को कुछ पता नहीं है। अरे उन्हें कुछ हो जाता तो? अरे रे रे रे, कूल डाउन। व्हाट कूल डाउन? व्हाट द हेल इज दिस अकू? मेरे पूरा दिमाग खाना भेजा फ्राई करके रख दिया उन्होंने। और एक तो वो सुमित्रा आंटी, मुझे लगता है ना कि आजकल लोगों की अकल ना बिल्कुल भैंस जितनी बड़ी हो गई है, उनकी अकल उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई है। थैंक यू तक नहीं बोला उन्होंने मुझे, कैन यू बिलीव इट? कहने को तो वो स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है। हाँ यार, ये तो टू मच ही हो गया। आई मीन, कोई भी स्ट्रेंजर बच्चे को ऐसे घर तक छोड़ने आए तो हम उसे अंदर बुलाते, दिस अ मिनिमम कर्टसी। आई एम सो सरप्राइज, इतना थैंकलेस कैसे हो सकते? अरे अक्कू, तुझे ना उनका एटीट्यूड देखना चाहिए था। तुझे पता है, उस दिन के इशू के लिए मैंने उनसे दोबारा सॉरी बोला, बट नहीं, शी वाज सो स्टोन फेस्ड। अच्छा जाने दे। अच्छा टीटी कैसी है, बात हुई उससे? तुझे लगता है उसकी खड़ू सास मुझे उससे मिलने देगी? और टीटी बेचारी, उसने तो मुंह तक नहीं खोला अपना, बस मीतप्रीत को लेकर अंदर चली गई। मतलब बिल्कुल भी बात नहीं हुई? अरे नहीं यार। और एक तो यार हमारी टीटी भी इतनी बेवकूफ है, स्टूपिड को ऐसा लगता है ना कि अगर वो चुप बैठेगी, हमसे बात नहीं करेगी, तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जबकि मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी बहुत परेशान है। आपको तुझे मैं सीरियसली कहूँ, मुझे लगता है ना इस बार इशू कुछ और। कोई और इशू? मतलब यार मुझे ना कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही है, कुछ तो जरूर है जो उसे परेशान कर रहा है। यार मिलने दिया होता तब तो पता कर पाती। ना तो उससे बात कर रही हूँ, ना मिल पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे मिलूं यार उससे। हाँ लेकिन वो क्या बात है दीदी जी? एक सेकंड, एक सेकंड। अब वैसे जानवी, एक आइडिया है। हाँ बोल, क्या? हम नहीं जा सकते ना टीटी के पास, पर देशो तो जा सकती है। तो सोच, इनडायरेक्टली टीटी की हेल्प भी हो जाएगी और हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी पद से। अरे हाँ यार, ब्रिलियंट आइडिया। एग्जैक्टली। चल तू फोन रख, मैं सब कुछ देशों को समझाती हूँ। ओके चल यार, ओके बाय बाय। इधर आजा मेरी खनी भाभी, इधर आजा। रे इब के शैतानी प्लान बना रहे हो? कुछ शैतानी प्लान नहीं है, जो भी कर रहे टीटी के लिए कर रहे यार। अच्छा सुन, तुझे तो पता है ना हम टीटी से मिल नहीं सकते, एक तरह से सुमित्रा आंटी ने सब कुछ बैन कर दिया है, ना हम उससे मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। ना... वो सब तो मन में बेरा है, पर मन ने क्या करना है वो बताओ। हाँ तो तुझ पर कोई बैन नहीं है, मतलब रोक टोक नहीं है, तो तू टीटी से मिलने जा सकती है। अरे हाँ गुड़गू, पर तो अब तू एक काम कर, तू टीटी के पास जा और अनिकेत को भी लेके जा। कोई पूछे तो बोल देना कि अनिकेत को तानिया की हाथ के पराठे खाने का मन कर रहा था। हाँ, और अनिकेत जब ताई पराठे खाएगा तब ताई मैं हवा हवा की तरिया पूरी प्रॉब्लम का एडिया ले लूंगी। परफेक्ट। तो तानिया बच्चे को देखकर मिलने से मना नहीं कर पाएगी और सुमित्रा आंटी भी चुप रहेगी। बात गुड मॉर्निंग अवि। गुड मॉर्निंग माया। ये लीजिए आपकी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, जस्ट द वे यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। और एक स्पेशल लव नोट आपके लिए, आपका बेटा खास आपके लिए स्कूल जाने से पहले छोड़ कर गया। वाओ, दैट्स सो स्वीट। आई नो, जस्ट लाइक हिज मॉम। अच्छा माया, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, कल रात को हम खेल खेल रहे थे ना, उसमें तुमने प्यार के बारे में क्या बोला था? हाँ, प्यार खुशबू है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। Right? खुशबू। और तुम्हें याद है वेडिंग नाइट वाले दिन भी मैंने तुमसे यही क्वेश्चन पूछा था?
तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया था? हाँ, ऑफ कोर्स याद है ना? हाँ, मैंने कहा था लव इज कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। Hey, stop it, you don't tease me about that day, all right? अबे क्या करूँ? उस वक्त कुछ कुछ होता मेरी फेवरेट फिल्म थी और तुमने सडनली मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे और कुछ समझ में नहीं आना, मैंने कह दिया लव इज कुछ कुछ होता है। अच्छा माया, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहली बार आई लव यू कैसे बुलवाया था? ऑफ कोर्स याद है। यू आर सच अ चीट। तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था ताकि मैं कुछ और बोल ही ना पाऊं। आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई हैड टू से दैट। षड्यंत्र? हां माया, मैंने तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि डू यू लव मी, एंड यू सेड यस आई डू। हां आई सेड यस आई डू, एंड वेरी स्मार्टली तुमने क्या कहा था? ओहो, कॉन्वेंट स्कूल में यही सिखाया जाता है तुम्हें, आंसर इन अ फुल सेंटेंस। और तुम्हें समझ भी नहीं आया था, एंड देन यू सेड यस आई लव यू। I swear you're such a cheat, na? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी for that day. As they say, everything is fair in love and war, sweetheart. Oh, really, sweetheart? Yeah. I hate you for that day. But it was worth it. अच्छा, अब just because मैंने war कह दिया तो I love you से सीधा I hate you? हाँ, ऐसे होगा. I really, 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 really hate you. You know what? Even I really, really, really hate you. अरे यार, ये तुम्हारा फोन हमारी प्यार का दुश्मन है, हमेशा गलत टाइम पर बजता है। माया ऑफिस से है, जरूर ऑफिस से है। अच्छा माया फोन, माया नहीं, माया जरूरी है ऑफिस। नहीं 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 माया, प्लीज ट्राई नॉट। नो, आज नो ऑफिस, नो मीटिंग्स, नो फोन कॉल्स, सिर्फ वाईफाई टाइम। माया इट्स इंपॉर्टेंट। No, I don't care. Okay, wifi time, जैसे तुम बोलो। तुम्हें मालूम है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना हॉस्पिटल में, बेटा मेरी बात मान ले, तू बस सिर्फ एक बार हाँ कर दे, बाकी सब मैं अपने आप संभाल लूंगी। मम्मी जी, मैं आपसे बोल चुका हूँ ना, मुझे नहीं करना, फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। देव, नाश्ता तो करके जाइए। देव, आपका टिफिन। नमस्ते करो, चलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मासी। अरे अनिकेत, कितने दिन में आया है? राम राम दीदी। राम राम, कैसी है तू? बढ़िया। चलो चलो, मीतू प्रीतु से मिलते हैं। देखो मीतू प्रीतु कौन आया है। हाय अनिकेत। हाय दीद। हाय प्रीत। अरे अच्छा, आज बच्चे अड़े किस तरह? हम तानिया चाची से मिलने आए थे। अच्छी, और थारे माँ बाप? वो लोग तो नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अच्छे। अच्छा तू बता, आज मेरे घर कैसे? अरे अनिकेत बाबा मन्ने खींच के लाए थे, वो कण लाग रहे थे कि तान्या मौसी के हाथ के परांठे खाने हैं, तो चलो फिर इसके ताई परांठे बना दो। अनिकेत, चीज पराठे खाएगा? हाँ, चीज पराठे मेरे बहुत फेवरेट, जल्दी लाओ। बिल्कुल लाई अभी। कैसे हैं? कौन? सब। कौन सब? अच्छी, आपकी सहेलियां क्वींस? रे तो फिर सीधा सीधा पूछो ना, नू घुमा घुमा के क्यों पूछ रहे हो? भाई देखो, मन ने तो किसी तरह डर ना लगता, और वैसे भी मेरी जाट बुद्धि है, एक बार फिरगी तो फिर तो भगवान ही मालिक है। बता ना तू। अनिकेत, चीज पराठा खाएगा ना? ये रहा। ठीक से सब
रिया आपने अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर वो मैसेज वाला ग्रुप क्यों छोड़ दिया? किसी तक बात ना करते पर सबके बारे में बेरा तो चल जाता अपने। तुझे यहाँ किसने भेजा है? मन्ने कौन भेजेगा? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। नाटक मत कर, मुझे पता है कि वो सब लोग क्या जानना चाहते हैं, और उनको जाके बोल देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छी, तो फिर देव भैया और सुमित्रा आंटी क्यों भिड़ रहे थे? वो तो उनके माँ बेटे का आपस का मैटर है, और ये तो एक दो दिन से चल रहा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पक्का ना दीदी जी? अरे आपने कोई परेशान तो ना कर रहा? नहीं पागल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छे, तो फिर ठीक है, तो आपने कदे भी मेरी जरूरत हो कि मैं भी काम होना तो मैंने फोन कर लेना। हाँ ठीक है। अरे मैंने फोन तो कर सको हो ना? हाँ पागल कर सकती हूँ। हाँ जी फिर बहुत बढ़िया, इफ तो कि मैं भी टेंशन को नहीं, इफ तो मैं आपके घर आनू ही आती जाती रहूंगी, आ सकू हूँ ना? हाँ मेरी माँ बिल्कुल आ सकती है, ये तेरा ही घर है, जब मन करे आ और जब मन करे जा, ठीक है? अनिकेत दूसरा पराठा खाएगा ना? अधिराज जी, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई खास वजह? ग्रैंड अनाउंसमेंट मधुरी माजी करेंगी हर हाइनेस, वो बस अभी आ ही रही है, आप तब तक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अधिराज जी से। श्रेया जी, आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखकर अच्छा लग रहा है कि आप माँ बनने वाली हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आज अचानक से क्यों श्रेया जी सबके सामने आई? मेरा सवाल अधिराज जी से, आपने 3 महीने तक क्यों इन्हें छिपा कर रखा? श्रेया जी, रब के द्वारा भेजा गया हमारे लिए नायाब तोहफा है, तो इन्हें छिपाना तो बनता ही है। लीजिए, योर हाइनेस भी आ गए। नमस्कार, बैठिए। आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए हमें खेद है। तो ग्रैंड अनाउंसमेंट ये है कि अगले महीने हमारे पार्टी के वाइस चेयरमैन और आपके चहेते युवा नेता अधिराज सिंह राठौर का 25वां जन्मदिन है, और इस उपलक्ष में महीने भर बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे। हम अधिराज के जन्मदिन का जश्न अगले सप्ताह से ही शुरू करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि अधिराज का जन्मदिन समाज की बेहतरी के लिए मनाया जाए, समाज का उत्थान और जनता की खुशी ही हमारे लिए असली जश्न है। मधुरिमा जी, क्या इस जश्न में राजा साहब यानी कि अधिराज जी के पिता शिवराज सिंह जी भी शामिल होंगे? पिता के बिना पुत्र का जन्मदिन अधूरा रहता है, तो क्या शिवराज जी अपना सन्यासी जीवन त्याग कर अपने बेटे को आशीर्वाद देने आएंगे? जी बिल्कुल। क्या उन्होंने आपको कुछ ऐसे संकेत दिए हैं? धन्यवाद। आइए योर हाइनेस, साइड प्लीज, साइड प्लीज। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। मैंने तो पहले ही फीलिंग आ गई सी, बाहर ना बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से ना मेरा पूरा बदन तप गया।
पंडित जी आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। हाँ और सुन, ओ, कुछ खाने को भी ले आई हो, वो ना चलते चलते ना मेरा सारा खाना ही पच गया, पक्का 2 किलो वजन कम हो गया होगा आज मेरा। ओहो तो आ गई आप, याद आ गई आपको मीत और प्रीत की? और नहीं तो की, दो छोटी बच्चियां अकेले सड़क पर घूम रही थी, रब ना करे अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो क्या करती आप? ओहो पैंजी बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंड पाओ ठंड पाओ, हुआ तो कुछ नहीं ना। और वहाँ वो सोना पुत्र वो छोटे से अंबर को देखेगी, कार देखेगी, क्या क्या देखेगी है। हद कर दी आपने, अच्छी बात कर रही हैं आप। अरे अंबर आ गया तो ये दोनों छोटी बच्चियां कहां जाएंगी, अच्छी खासी तो इस घर में रह रही थी। अरे चार लोग थे देखभाल करने के लिए, मैं पूछती हूँ कि क्या जरूरत थी घर छोड़कर जाने की? ओहो चार लोग थे, देखे मैंने, देखे चार में से ना कौन कौन वहां पर आकर उन लोगों का हाल चाल पूछ रहा था सब देखा मैंने। हाय 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 मैनू तो पहले ही फीलिंग आ गई थी, एक भी बंदा नहीं आया वहां उनको देखने के लिए कि किस हाल में रह रहे हैं वो लोग, ऊपर से पैसे की तंगी होगी वो अलग। तो आप क्या चाहती हैं, हाथ जोड़ूं उनके, उन्हें घर बुला लूं? अपने किए के वो खुद जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है वो, आप तो ना आप कुछ मत बोलो, आप बस इतना देख लो कि वो मेरी सोना पुत्र और जतिन का जो प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है ना, बस वो देख लो आप।